वैसा कोई बात नहीं है, राजनीतिक लोग कयास लगा रहा है कि राजनीतिक शुरू हो जाएगी, तो आपको नहीं पता है बाबू लालू प्रसाद यादव जी विश्व स्तर के नेता है, राजनीति करने वाले हैं। सरकार गिरने का कहाँ बात है, सरकार में तो हम लोग हैं, सरकार बना हुआ तो गिरने का कहाँ बात है, सरकार चल रही है, चलते रहे, इनके तो राजनीति होते ही रहता है। लेकिन आए भाईचारा का पैगाम है, आज इनके आवास पर गरीबों के लिए भोज रखा गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि हजारों हजार गरीब आज हम लोगों के नेता और हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं। देखिए, बिहार की सियासत काफी गर्म है इस दिनों, लगातार जो चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की, लेकिन इस दौरान मकर संक्रांति का भोज है, लालू प्रसाद यादव के आवास पर ये तमाम कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राबड़ी आवास पहुँचे और वो वहाँ पर 10 मिनट तक रुके और भोज का आनंद लिए। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि राबड़ी आवास पर इस भोज का आयोजन जो है सियासी जोरन कहा जा रहा है, बता दें दही जिस तरीके से जमता है वहीं राजनीति भी यहाँ पर जमने लगी है। इस पर आज तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो राबड़ी आवास पहुंचे थे। हमारी बातचीत जो है आरजेडी विधायक रामदीक सदा से हुई, क्या कुछ कह रहे हैं रामदीक सदा, एक बार आप सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा, ऐतिहासिक भोज रहा, और आप सब दिन जानते हैं कि आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर मकर संक्रांति का और अवसर पर इनका गेट खुला हुआ रहता है गरीबों के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ से राजनीति शुरू हो जाएगी अब इंडिया गठबंधन के लिए, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? वैसा कोई बात नहीं है, राजनीतिक लोग कयास लगा रहा है कि राजनीतिक शुरू हो जाएगी, तो आपको नहीं पता है बाबू लालू प्रसाद यादव जी विश्व स्तर के नेता है, राजनीति करने वाले हैं, इनके तो राजनीति होते ही रहता है। लेकिन आए भाईचारा का पैगाम है, आज इनके आवास पर गरीबों के लिए भोज रखा गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि हजारों हजार गरीब आज हम लोगों के नेता और हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर खा रहे हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बराबर यह भोज करते हैं और गरीबों का सम्मान बराबर देते हैं, गरीब आते हैं खाते हैं। मास के बाद सरकार गिर जाएगी, वह हम लोगों को नेता जानेगा, और सरकार गिरने का कहाँ बात है, सरकार में तो हम लोग हैं, सरकार बना हुआ तो गिरने का कहाँ बात है, सरकार चल रही है, चलते रहेगी। ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामवीर सदा, जिन्होंने किस तरीके से कहा है कि सरकार तो हमारी है और सरकार जो कयास लगा रहे हैं उनको लगाने दीजिए और इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और लालू प्रसाद यादव जो हैं काफ़ी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इनके यहाँ से राजनीति शुरू होती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ।